ये लास्ट ईयर मैं ना ईरान गया था और वहाँ जाके करोड़पति बन गया था, लेकिन फिर मैं इंडिया आया तो वापस गरीब हो गया। तो मैंने सोचा चलो भाई लाओस चलते और यहाँ आके मैं वापस से भाई करोड़पति बन चुका हूँ। क्योंकि मेरे हाथ में जो गड्डी देख रहे हो ना, पता है कितने की है? 1 करोड़ की। अगर मैं इंडिया में होता तो इतने पैसों से 5 स्कॉर्पियो N खरीद सकता था, लेकिन वो पॉसिबल होता जब ये इंडियन रुपीज होते, ना कि के लाओस की करेंसी जो की है किप, KIP। एक्चुअली इंडिया के 1 रुपए यहाँ पर आके बन जाते हैं 230 किप। एक्चुअल में आप ये मेरे हाथ में जो 1 करोड़ किप देख रहे हो ना, ये इंडिया के सिर्फ 50,000 रुपीज है। तो ये देख रहे हैं भाई यहाँ की करेंसी तो इतनी सस्ती है, लेकिन चीजें कितने की मिलेगी। जैसे भाई ये 10 इंच का पिज्जा यहाँ पे मिल रहा है 50,000 किप का, जो कि इंडिया के अराउंड 250 रुपए बनते हैं। मैंगो शेक का बड़ा गिलास 20,000 किप का। ये शर्ट मिल रही है भाई 1,60,000 की। और तो भाई डीजल के प्राइजेस सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, जो की भाई 20,000 का 1 लीटर। इंडियन करेंसी में तो ये अराउंड 90 रुपीज के आसपास बनता है। जब मैंने फुल टैंक करवाया ना यहाँ पे, तो भाई 10 लाख देने पड़े मुझे यहाँ के। ऐसे ही और भाई इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।